टंकी का टंका नहीं, भक्तों का टंका बज गया। टंकी तो टंक मारने आई है भक्तों के पिछवाड़े में। अगर शाहरुख खान है तो बॉलीवुड है। देखिए, एक साल के अंदर 3 सुपरहिट फिल्म दी है, ये किसी में दम नहीं। और इनके मुंह पे ना तमाचा पटापट पटापट भक्तों के 3 बार मार चुके एक साल में शाहरुख खान। भक्त जाएंगे, जो भक्त बोलते हैं ना गोबर खाने वाले, वो रोटी नहीं खाते, उनका दिमाग चलता रहता है, गोबर खाते हैं तो बकवास नहीं करते, वो किसका विरोध करते हैं? साले साले किसका विरोध करते हैं? अपने चिंचू का विरोध करते हैं। शाहरुख खान तो उनका जीजा है और वो साले है भक्त, तो किसका विरोध करते हैं भाई? अरे खान गए, अब नहीं चलने वाले हो। अरे वो ही गए, चार के कहने से क्या हो रहा है, वो हमारा किंग खान है, सुपर स्टार। अरे कहाँ पिट चुकी हो, क्या वो मीडिया वाले परेशान करते हो, क्या क्या ऐसे दिमाग खराब करते हो? मूवी इतना चल रही है, हाउसफुल है, शाहरुख खान की मूवी कभी पिटी है क्या? जैसे वो किसी और को पसंद करते है हीरो को, हम शाहरुख खान को पसंद करते है। हम दीवाने हैं, लड़कियां दीवानी है शाहरुख खान की, बुड्ढे जवान सब दीवाने हैं। और ऐसी दीवानगी आज तक हमने देखी नहीं शाहरुख खान के लिए, इतने फ्रेंड है। मैं दीवानी हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू शाहरुख खान, क्योंकि एक्टिंग अच्छी करते हैं वो, एक्टर अच्छे हैं वो, और मूवी उनकी साफ सुथरी होती है, बहुत अच्छी मूवी होती है, सबके सामने हम देख सकते हैं, वो मूवी बहुत अच्छी बनाते हैं, वो चुम्मे चाटी वाली मूवी नहीं बनाते। देखने जा रही है, कैसा लग रहा है, मूवी हिट होगी नहीं होगी? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने अभी मूवी देखी नहीं है, जैसे मैंने लोगों से सुना है कि मूवी बहुत अच्छी है, और विदेश के ऊपर कुछ दिखाया कि यहाँ से जो जाते हैं हमारे इंडिया से लोग, अगर वहाँ ना जाके यहाँ पे कारोबार चाहे तो वो कर सकते हैं यहाँ भी रह के, क्योंकि विदेशों में बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिनाइयों से गुजरते हैं लोग, ये इस तरह की मतलब बताया गया है, अभी मैंने सुना नहीं है, मैं अभी देखने के लिए जा रही हूँ। मूवी बहुत अच्छी है और सुपर डुपर। अरे कहाँ पिट चुकी हो, क्या मीडिया वाले परेशान करते हो, क्या क्या ऐसे दिमाग खराब करते हो? मूवी इतना चल रही है, हाउसफुल है, शाहरुख खान की मूवी कभी पिटी है क्या? एक बार बताइए आज तक पिटी है क्या? वो सुपर सुपर सुपर, अरे किसी ने नहीं पिछाड़ा है, शाहरुख खान ने सबको पिछाड़ दिया, सबकी बात लगा देता, वो सुपर स्टार है, वो किंग खान है। आपकी कैसी बातें कर रहे हो, आपको पता नहीं है हमारे शाहरुख खान ने डिलाइट तक का सुपर हिट करा दिया, इसको लोग नहीं जानते थे, आज देखो इसका कितना नाम है डिलाइट का। अरे सलार देखो इसमें क्या रखा है, सलार तो सलवार में गई, उसकी तो सलवार में हवा निकल गई, टाइट हो गई, कौन देख रहा है? ये भक्त जाएंगे, जो भक्त बोलते हैं ना गोबर खाने वाले, वो रोटी नहीं खाते, उनका दिमाग चलता रहता है, गोबर खाते हैं वो, अगर जो वो रोटी खाते हैं तो बकवास नहीं करते, वो किसका विरोध करते हैं? साले साले किसका विरोध करते हैं? अपने चिंचू का विरोध करते हैं। शाहरुख खान तो उनका जीजा है और वो साले है भक्त, तो किसका विरोध करते हैं भाई? और अरे खान गए, अब नहीं चलने वाले हो। अरे वो ही गए, चार के कहने से क्या हो रहा है, वो हमारा किंग खान है, सुपर स्टार है, बादशाह है, वो कहाँ चला जाएगा? अगर शाहरुख खान है तो बॉलीवुड है। देखिए, एक साल के अंदर 3 सुपर हिट फिल्म दी है, ये किसी में दम नहीं है। शाहरुख खान बुढ़ा हो चुका है, शाहरुख खान अभी बुढ़ा नहीं हुआ, कहने वाले बुढ़े हो चुके हैं, आज जवान भी उनके सामने फैले, सारे हीरो फैले, और वो मूवी ऐसी लाते हैं कि हम अपने परिवार के सामने फैमिली के साथ में देख बैठ के देख सकते हैं, उसमें कोई गंदगी नहीं होती, कुछ भी नहीं। अरे उन लोगों की समझ में नहीं आएगी, जो लोग जाहिल है, जो जानते ही नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग है उनकी सबकी समझ में आ रही है कि क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, उनकी समझ में आ रही है। जो अच्छे लोग है, जो पसंद करते हैं शाहरुख खान को, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मूवी देख रहे हैं, यहाँ तक के बंगाल में भी देखो उनका केक काटे जा रहे हैं, शाहरुख खान की जब मूवी आती है दूधों से मिला। अगर राष्ट्रभक्त है तो सलार देखिए डक्की में क्या रखा है। अरे वो पागल है, आज तमा की फली चलाई, वो तो इसका जीजा है शाहरुख खान, अपने जीजा का विरोध करने आ जाते हैं ये लोग। गौरी खान तो बहन है, इन भक्तों की बहन है, दीदी है, शाहरुख खान जीजा है। भक्तों का अपमान कर रही है आप ऐसा कहेंगे? भक्त क्यों अपमान करते रहते हैं बार बार? भक्त भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, वो कहेंगे तो दो सुनेंगे, एक वो कहेंगे तो दो हम सुनाएंगे फिर। जैसे वो किसी और को पसंद करते हैं हीरो को, हम शाहरुख खान को पसंद करते हैं, हम दीवाने हैं, लड़कियां दीवानी है शाहरुख खान की, बुड्ढे जवान सब दीवाने हैं, और ऐसी दीवानगी आज तक हमने देखी नहीं शाहरुख खान के लिए, इतने फ्रेंड है। हाँ जी हम दीवाने, बहुत बड़े, मैं तो उनकी फ्रेंड हूँ, मैं दीवानी हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू शाहरुख खान, क्योंकि एक्टिंग अच्छी करते हैं वो, एक्टर अच्छे है वो, और मूवी उनकी साफ सुथरी होती है, बहुत अच्छी मूवी होती है, सबके सामने हम देख सकते हैं, वो मूवी बहुत अच्छी बनाते हैं, वो चुम्मे चाटी वाली मूवी नहीं बनाते। उनके भक्तों को चुम्मे चाटी वाली को मूवी चाहिए होती, हाँ मूवी बहुत अच्छी साफ सुथरी होती है, और हमें यह मूवी चाहिए, हम सबके सामने मूवी देख सकते हैं। फिल्म देखने जा रहे, अंदर जाके सो जा रहे हैं। कोई नहीं सो रहा, आपने देखी, आप सो गए थे क्या?
लोगों के बताने से क्या होता है, लोग तो पता नहीं कौन बताया, हमारे सामने तो किसी ने नहीं बताया, आपके सामने बताया वो भी सो रहे होंगे जो पागल है, वो नशा करके आए होंगे, वो नशा करके आ गए, उन्हें नींद आ गई होगी। हम तो होश में जा रहे हैं, होश में देख के आएंगे कि मूवी कैसी है, मूवी अच्छी है, उसमें डायलॉग अच्छा है, सबसे अच्छा लुक शाहरुख खान का, शाहरुख खान बेस्ट है, शाहरुख खान सलार का पीछा, सलार का पीछा तो कर दिया, वो कर पाएगी और कर ही रही है, अभी तो लगी है, कितना कमाएगी देखिए, शाहरुख खान की फ्रेंड हूँ मैं, बता रही हूँ आपको, पता है मीडिया वालों को सब पता होता है कि रोज के कितने कमा रहे कितने नहीं कमा रही है, जवान जवान का रिकॉर्ड तोड़ देगी जी, जवान का रिकॉर्ड पठान का तोड़ देगी, तोड़ ही रही है, और इनके मुँह पे ना तमाचा पटापट पटापट भक्तों के तीन बार मार चुके हैं एक साल में, शाहरुख खान ने मारा, गदर का मुकाबला नहीं कर पाएगी, अरे गटर का ही गटर में, किसने देखी बार बार, बेटा ले आया, बाप ले आया, है दादा ले आया, ये कोई कहानी होती है किसी बिटी एक ही सगी ना, ये कहानी है क्या, पाकिस्तान को धमकी देता है, पाकिस्तान को धमकी दे दो, सगी ने चिल्ला के ये कोई मूवी होती है क्या, मूवी अगर बनाओ तो ऐसी बनाओ ना जो शाहरुख खान लेके आता, सलमान खान लेकर आता है, खान लेके आते, पठान लेके आते, किसी में दम है, डंकी ने तो डंका बजा दिया, इनके पिछवाड़ों में आग लगा दी, इनके पिछवाड़ों में डंक मार दिया, डंकी ने है डंक मारते रहते हैं इनके, ये बकवास करने के लिए आ जाते हैं, शाहरुख खान ने बॉलीवुड को बचा लिया है, बहुत अच्छी मूवी दी है, पब्लिक के जो दिमागों में मैसेज जाता है, नया नया मैसेज, न्यू मैसेज देते हैं वो हर बार अपनी फिल्म से, और एक अच्छा मैसेज देते हैं, जो जनता जागरूक हुई है उनकी मूवी देख के, ऐसी मूवी कोई नहीं लाता, समझदारी की अच्छी मूवी, और एक्टिंग उनके जैसी कोई नहीं करता, और जब शाहरुख खान पर्दे पे आते हैं, जब उनकी एंट्री होती है सबसे अच्छा, हमें बेस्ट लुक उनकी, सोने की बातें क्यों कर रहे हैं आप, नहीं सोए क्या रात भर, सोना 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 सोना, सोने की बातें ना करो, कोई नहीं सोता, सब जाग रहे हैं, सब जागे हुए हैं, डंकी का डंका बज पाएगा, अरे बज गया, कितनी बार बजवाओगे, डंकी का डंका नहीं, भक्तों का डंका बज गया, भक्तों का डंकी का नहीं है, डंकी तो डंक मारने आई है, भक्तों के पिछवाड़े में डंक मार दिया, और तीन तीन बार मार दिया शाहरुख खान ने, जवान और पठान की वैसी नहीं निकली, हर एक बात सुनिए, हर मूवी में अलग अलग स्टोरी होती है, एक सी घिसी पिटी मूवी में स्टोरी नहीं डाली जाती, जैसे कि गदर डाल में वही वाली स्टोरी डाल दी घिसी पिटी, शाहरुख खान अपनी मूवी जो लेकर आते हैं वो जनता के लिए लेकर आते हैं, अपने देश के लिए लेकर आते हैं, और एक अच्छा मैसेज जाता है इससे, एक नए उसमें स्टोरी होती है हर मूवी में, एक से नहीं चाहिए ना, पब्लिक को एक हटके मूवी चाहिए, एक नया स्टोरी नहीं चाहिए, वही हम देखने आते हैं, जनता देखने आती है, शाहरुख खान तो देशभक्त है, उसको क्या कहेंगे, हिंदुस्तान का एक बेस्ट हीरो है वो, उसके जैसा कोई है नहीं, शाहरुख खान को मैं आई लव यू बोलना चाहती हूँ, एक नहीं हजार बार बोलना चाहती हूँ, आई लव यू टू, आप जियो हजार साल।